नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का हमारा सेशन होने वाला है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के ऊपर होने वाला है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी SIP का प्लान करना है तो किस अकॉर्डिंग करना है। दोस्तों उसमें मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं। आज का सेशन दोस्तों हमारा बेसिकली हमारा म्यूचुअल फंड पे होने वाला। दोस्तों कैसे हम SIP करें, दोस्तों SIP भी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं हम SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों जो हम जैसे पर मंथ अपना जितना भी जैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम पर मंथ एक अमाउंट अपना फिक्स कर लेते हैं, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, ये कुछ हम अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान फिक्स कर लेते हैं, जो कि हमें हर मंथ अपना एक से हमारा जो SIP है जो किसी फंड में हमें इन्वेस्ट करना होता है, तो दोस्तों उसी को SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज हम ये देखेंगे दोस्तों कि किस हम फंड में से एक अच्छा अपना एक जो हमारा एक रिटर्न है वो हम कैसे उठाएं। आप खुद भी जाकर जैसे ग्रो ऐप है दोस्तों, आप उस पे किसी भी फंड को आप उसकी डिटेल्स वगैरह रिटर्न वगैरह खुद आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं फॉर एग्जाम्पल आज आपके लिए मैं एक HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी का फंड एक लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें आज मैं आपको थोड़ा सा कोई डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और कैसे उस पर एक अच्छी रिटर्न जनरेट करें। दोस्तों आज हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, जब हम किसी फंड को देखते हैं तो उसमें हम फंड में हम ये देखें कि मार्केट में कितना पैसा उसमें लगा रखा है। तो दोस्तों आज जो हमारा HDFC का फंड है, इसमें हम ये देखते हैं कि फंड जो साइज हमारा 47,840 करोड़ रुपए का फंड है। दोस्तों बहुत अच्छा फंड है, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक पैसा मार्केट में जो लगा रखा है दोस्तों SIP का। दोस्तों इस पे हम फिर ये देखते हैं कि एक्सपेंस रेशो क्या है हमारा, इस पे एक्सपेंस रेशो भी 0.83% अभी चला हुआ दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम अपनी SIP का भी देखते हैं कि मिनिमम SIP हमारी हम कितनी इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मिनिमम SIP है जो वो हमारी 100 के है, 100 रुपए के आसपास है दोस्तों, मिनिमम कम से कम 100 रुपए है। इससे आप आगे जैसे 200, 500, 1,000 जितना भी आपके अकॉर्डिंग बजट के अकॉर्डिंग रहे उतना आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इस फंड में हम देखते हैं कि हम अगर अपना एक प्लान लेकर चलते हैं दोस्तों, अगर मंथली हम कम से कम भी अगर हम 3,000 रुपए अगर इस प्लान में अगर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, SIP अगर हम पर मंथ अगर इसमें हम 3,000 की अगर कर लेते हैं, तो दोस्तों हम अगर इसका एक बार हम इसके रेशो निकाल कर देखेंगे दोस्तों, रिटर्न की रेशो निकाल के देखेंगे तो इसकी 10 ईयर्स की रेशो है वो दोस्तों 20.97% इसकी 10 ईयर्स की रेशो आ रही है दोस्तों। एक ये बहुत अच्छी रिटर्न है। मैं ये कहता हूँ कि देखो हम जब आप जब सर्च करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुद सर्च करें और खुद उसमें एनालाइज भी करें दोस्तों, इससे आपकी काफी नॉलेज और काफी आपको एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। तो मैं आप दोस्तों एक एग्जांपल आज ये स्त्री लेकर आऊँ दोस्तों, इसमें 10 ईयर्स की अगर रिटर्न देखते हैं हमें तो अप्रोक्स 21% के आसपास देखने को मिलती है, जिससे दोस्तों बहुत अच्छी रिटर्न है दोस्तों, एक मैं एक अच्छी रिटर्न ही कहूंगा इसको। तो दोस्तों हम इसमें ये देखते हैं तो हम एक रिटर्न इस पे वैसे एक वैसे भी पॉइंट का अगर कम कर लें तो हम इस पे ये देखेंगे कि 20% का अगर हम अपनी रिटर्न लेके चले लास्ट की हम जैसे 25 ईयर्स की, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो 3,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा इन्वेस्टिंग 25। दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, हम SIP में हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही उसको लिए सोचते हैं, लेकिन SIP में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसको हमेशा लार्ज स्केल के लिए आप हमेशा चूज कीजिए उसको कुछ बड़े समय के लिए उसको आप प्लान कीजिए, 25 साल 30 साल, कम से कम भी 20 साल, तो उसमें आपको उसमें एक जो रिटर्न है एक कंपाउंड है वो उस पर आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों मैंने इसको 25 ईयर्स के लिए प्लान करके आपको एक दिखाने की कोशिश की है, जिसमें हमारी 20% की हमारी रिटर्न रहेगी 25 साल की दोस्तों, जिसमें हमें 20% रिटर्न रहेगी और 25 साल के लिए हम 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट दोस्तों 25 साल के लिए 9 लाख हो जाएगी, और उस पर जो हमारी रिटर्न आएगी एस्टिमेटेड जो रिटर्न हमारी रहेगी दोस्तों वो हमारी 2,49,80,000 के आसपास रहेगी दोस्तों। ये आप रिटर्न देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों कंपाउंडिंग का है, ये एक जादू है, ये आपको जब लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो आपके लिए कितना अच्छा ये वरदान साबित होता है। कंपाउंडिंग तो बहुत ही एक पैसे की बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। तो आप एस्टिमेटेड रिटर्न इसकी 2.5 करोड़ के आसपास समथिंग सोचिए दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका 25 ईयर्स अगर प्लान के हो जाएंगे तो दोस्तों आपको 2,58,80,000 के आसपास आपको ये फंड मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल आज मैं आज आपको समझाने के लिए लेके आया था कि आप कोई भी
SIP आप कोई भी फंड आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किस अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी रिटर्न की रेशियो देखिए, उसमें फंड में कितना पैसा लगा है चल रहा है वो भी देखिए। तो दोस्तों आप ऐसे ही SIP कर कर आपको दोस्तों कई बार क्या होता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों। तो आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए उसमें डालेंगे तो दोस्तों आपको उस टाइम तो आपकी जेब पर बजट पर ज्यादा वो इफेक्ट नहीं डालेगी, लेकिन आपको लंबे समय में वो एक अच्छा रिटर्न आपको देगी। तो दोस्तों ये एक SIP का आज मैं आपके लिए सेशन लेके आया था, होपफुली इसमें आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होंगे। दोस्तों आप भी SIP में इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे ही अपने भविष्य को सेव कीजिए, ऐसे ही अपने पैसे को बढ़ाइए दोस्तों। थैंक यू।